आईटी अवार्ड 2023 की चर्चा है और इस दौरान विनर्स के साथ साथ रेड कार्पेट पर जलवा बिखरने वाले की धूम है। इस वक्त अभिनेत्री नेहा पेडर्स का कूलर लुक वायरल हो रहा है, हालांकि वो इस दौरान ऑप्स मूवमेंट का शिकार हो गई है। दरअसल नेहा अवार्ड शो में काफी लंबे ड्रेस पहनकर गई थी जो एक तरफ कटी हुई थी। पोज देते हुए उनकी ड्रेस को लेकर कुछ दिक्कत हो रही है, इसको फिक्स करने के लिए एक लेडी स्टेज पर आती है। ड्रेस को ठीक करते वक्त ये लेडी इतनी खींच देती है कि नेहा ऑफ मूवमेंट का शिकार हो जाती है। हालांकि एक्ट्रेस ने बिना रिएक्ट किए हुए इस चीज को इग्नोर किया है। नेहा पाडेस ने इसके बाद जमकर पोज दिया है और वो हमेशा की तरह बेहद सेक्सी लग रही है। इस वीडियो पर लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। एक ने लिखा कि इज्जत जाए पर फैशन न जाए, एक का कहना है, और ड्रेस ठीक करने वाले ने तो खुलकर सब दिखा दिया। एक ने लिखा कि टैलेंट छुप गया था अंदर, उसको दिखाने की कोशिश। एक का कहना था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है लेकिन ठीक करने वाले ने सही नहीं किया। एक ने लिखा, ऐसा कौन ठीक करता है। इस तरह से लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। नेहा को कई सारे फिल्म में देखा जा चुका है। साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म प्यार कोई खेल नहीं और दाग द फायर जैसी फिल्म में भी वो नजर आ चुकी है। साल 2002 में आई फिल्म देवदास में भी उन्हें देखा गया था। अब नेहा 2017 में बिजनेसमैन राहुल सिंह के साथ शादी रचा ली थी और आपको बता दें कि उनके पति की ये तीसरी शादी थी। इसके बाद में एक्ट्रेस को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था। फिलहाल अब देखिए वीडियो जो कि वायरल हो रहा है। Tell me what's wrong and why you